जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज की विशेष खबर। भारत में स्थापित वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मूल निवासी बहुजन समाज के सभी समस्याओं का कारण है। क्रमिक असमानता के कारण एक जाति दूसरे जाति से ऊंच नीचता का व्यवहार करती है। भाजपा शासनकाल में जातिवाद का पुरजोर से समर्थन हो रहा है और जातीय अत्याचार को बढ़ावा मिल रहा है। पिछले 4 सालों में देश में जातीय हिंसा चरम पर है। खुद को पुरोगामी कहने वाला महाराष्ट्र भी जातीय हिंसाचार में पीछे नहीं है। यहाँ भी हर दिन ऐसी घटनाएं घट रही है जो चिंता का विषय है। मातंग समाज के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित है और इसी के चलते मातंग समाज का एक दूल्हा अगर मंदिर की सीढ़ियों पर भी चढ़े तो पूरे समाज के लोगों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। सरेआम लातूर के उदगीर जिले में महिलाओं को पीटा जा रहा है, आप इस वायरल होते वीडियो को देख सकते हैं। इस विषय पर बामसेप कार्यकर्ता डॉक्टर एल जे कानेकर इन्होंने अपने विचार रखे। इंसानों में असमानता होती है, इस प्रकार का ब्राह्मणवादी विचार और आचार समाज में ब्राह्मण धर्म ने प्रस्तापित किया और धर्मशास्त्रों ने इसको मान्यता दी। इस कारण ही भारत के संविधान के अमल को नकार कर ब्राह्मण धर्म के परंपरागत नियम के अनुसार शूद्र अतिशूद्रों को मंदिर में जाना वर्जित है। शूद्र अतिशूद्र के लोगों ने अगर सामूहिक रूप से पंगत में बैठकर घी भी खाया तो भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, यह इतिहास में बताया गया है। मूल निवासी समाज के व्यक्तियों पर मंदिर में पूजा की इस कारण शारीरिक और मानसिक हिंसा करना यह अमानवीय, दोषपूर्ण एवं दंडात्मक कार्य है। इतिहास में हम झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है, इसलिए हमें मंदिर में नहीं जाना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने यह बताया है कि मंदिर में पुजारी ब्राह्मणों के पेट पलते हैं और मंदिरों में अनेक प्रकार का अनैतिक कार्य किया जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने शिक्षा के केंद्र में जाने के लिए कहा है। याद रहे, मंदिर में जाने के कारण हमें अगर मारा पीटा जाता है तो भी भगवान का जो मंदिर है और जिसमें भगवान बैठते हैं वह हमारी कभी सहायता करने के लिए नहीं आता। हम क्यों भ्रम में है कि भगवान हमारी सहायता करेगा।